बच्चों, यदि मेरिट का सपना पाल लेते हो तो शायद आपको मैं जो किस्सा बता रहा हूं इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहना। यदि आप बड़े सपने पाल दो कि मुझे आईटी जाना है, मुझे मेडिकल जाना है, हो सकता है लोग आप पे हंसे, तो आप मैं जो कह रहा हूं उसका मेरा साथ देना। एक गांव था, उस गांव में एक संत आए। गांव वालों ने संत की पूरी बहुत बड़ी सेवा, बढ़िया सेवा की। संत खुश हो गए, संत वाकई से संत थे। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे को लग रहा है कि आपके गांव के जो कुएं का पानी किस तरह से फुट करनी पड़ती है, ये रूढ़िवादी नहीं है, कहानियां कहने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कहा साहब, आपके गांव का 2 महीने बाद आपके गांव के कुएं का जो पानी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदलने वाला, इसका रासायनिक गुण बदलने वाला है, और जो इसको पिएगा वो पागल हो जाएगा। सारे गांव वाले उसकी बात सुन ली। एक व्यक्ति ने जो समझदार था, उसने क्या किया कि अपने गांव में एक पानी का टंका भर लिया घर में, और जैसे 1 महीने बाद उसका दोस्तों गांव का पानी की प्रॉपर्टी बदली, तो पूरे गांव ने तो पानी पिया कुएं वाला पागल हो गए। उस एक बंदे ने पानी पिया अपने टंके वाला, वो पागल हुआ नहीं। अब 999 पागल और एक सही। अब उस गांव में बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो गांव वाले कहे बाकी सब ठीक है, एक बावड़ा है। फिर दोस्तों वो फिर कोई बात चले, कोई भी आए कि बाकी सब ठीक है, एक पागल है। तो दोस्तों लास्ट में उसने भी दुखी हो गया, उस गांव का कुएं का पानी पी लिया, वो पागल हो गया। तो लोगों ने कहा सब ठीक हो गया। दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं कि भीड़ क्या कहती है, भीड़ आपको कहती है तू मेरिट नहीं ला सकता, तू आईआईटी में नहीं जा सकता, तू पीएमटी में नहीं जा सकता। दोस्तों अपने इरादों पे डटे रहना। वो कहते ना, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। वो कौन कहता कि छलनी में पानी नहीं जमता, दोस्तों बर्फ जमने तक इंतजार तो करो आप यारो। बच्चों अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने सपने बड़े रखो। इस सपनों पर एक बात कहता हूं मैं, कई बार आदमी छोटी सोच के कारण, कहावत है ना, छोटी सोच और एडी की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। एक किस्सा बता के बात शुरू करूं। एक मछुआरा था, वो समुद्र में से मछलियां पकड़ता था और मछलियां पकड़ के उनको बेच के अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन वो मछलियां पकड़ रहा था और उसी के पास एक कोई जवान लड़का, यंग लड़का समुद्र में बैठा था, वो उसको देख रहा था। वो मछली पकड़ने वाला अपना कांटा फेंके, जानते ना मछली पकड़े कांटा फेंकना पड़ता पानी में, वो कांटा फेंके और मछली पकड़े। अब उसके कांटे में यदि कोई बड़ी मछली आ जाए तो वापस छोड़ दे, छोटी मछली आ जाए उसके पास जो अपनी छाबड़ी होती है इकट्ठा करने की मछली उसमें डाल ले। तो छोटी मछलियां तो इकट्ठी कर ले और बड़ी मछली को छोड़ दे। तो वो जो लड़का था उसका दिमाग घूम गया, बोलो अंकल आप क्या कर रहे हो, आप मछलियां बेच के अपना परिवार पेट परिवार पालते हो, घर में मछली खाते हो, जो लोग मछली खाते हैं उनका भोजन होता है, अलग बात समुद्री फूड। तो आप ये 10 छोटी मछलियां पकड़ रहे हो और बड़ी मछली को आप फेंक रहे हो, तो आप 10 छोटी मछलियों में टाइम वेस्ट करते हो, इतने में एक बड़ी मछली पकड़ लो ताकि आपका एक बड़ी मछली में पूरे घर का भोजन बन जाएगा। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया कि बेटा मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि बड़ी एक मछली से मेरा घर का भोजन पक जाएगा, हम घर में 5 सदस्य हैं, हमारा शाम का भोजन हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में जिस टोपिए में भगोनी में मैं मछली पकाता हूं उसकी साइज छोटी है, इसलिए मेरे को बड़ी वाली को छोड़नी पड़ती है और छोटी वाली को पकड़नी पड़ती है। दोस्तों अपने इस ऊपर वाले टोपिए की भगोनी की साइज बड़ी करो और बड़ी मछलियां पकड़ के बड़े सपने पालो। बड़े सपनों को इसलिए मत छोड़ो कि दोस्तों मेरी सीमा नहीं है, मेरे परिवार में कोई आईआईटी में नहीं गया, मेरे परिवार में कोई आईएएस नहीं बना, मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं बना। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार जिद पाल के देखो।